नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके नवीं दिल्ली विच वाणिज्य भवन का उद्घाटन करनगे। नरेंद्र मोदी वल्लों निर्यात पोर्टल भी लांच किया जाएगा। प्रधानमंत्री 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन विच हिस्सा लैणगे। भारत के दौरे ते आए आस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री ते रक्षा मंत्री ने नवी दिल्ली विच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नाल मीटिंग दौरान रक्षा सहयोग गतिविधियां की समीक्षा की। संगरूर लोक सभा हल्के की जिमनी चोण लई वोटां भलके गिणती अते नतीजा 26 जून नूं। आजाद ते निरपक्ष चोण करवाउण लई सारियां तैयारियां मुकम्मल। जम्मू कश्मीर के महराजपुर सरहदी खेत्र विच ड्रोन देखा गया। BSF जवानों वल्लों फायरिंग मगरों ड्रोन वापस पाकिस्तान चला गया। अफगानिस्तान विच आए जबरदस्त भूचाल कारण 950 व्यक्तियों की मौत अते 600 तो वध जख्मी। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके नवी दिल्ली विच वणज अते सनअतां मंत्रालय दे नवे कंपलैक्स वाणिज्य भवन का उद्घाटन करनगे। इस दौरान वह नवा पोर्टल निर्यात भी लांच करनगे। निर्यात पोर्टल सारे ही सरोकारियां लई भारती विदेश व्यापार नाल संबंधित हर तरह की जरूरी सूचना मुहैया करवाउण लई वन स्टॉप प्लेटफार्म वजो विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री इस मौके इकट्ठ नूं संबोधन भी करनगे। जिक्र योग है कि वाणिज्य भवन इंडिया गेट नेड़े उसारिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलक तो चीन विच आयोजित होने वाले 2 दिना 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन विच हिस्सा लैणगे। ये शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम राही आयोजित किया जा रहा है। चीन इस सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। शिखर सम्मेलन तो पहला प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स व्यापार फोरम के उद्घाटनी समारोह विच मुख भाषण देणगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स सारे ही विकासशील देशों के सांझे हितों अते विचार वटांदरे का मंच बन गया है। इस सम्मेलन दौरान अतवाद, कारोबार, सेहत, रवायती दवाइयां, वातावरण, साइंस ते टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, खेती, तकनीक अते सूचना ते टेक्नोलॉजी समेत कई होर मुद्दों ते विचार वटांदरा कीते जाण दी संभावना है। इन्हां मुद्दों तो इलावा सम्मेलन विच करोना महामारी विरुद्ध लड़ाई अते विश्व पद्धरी अर्थचारे विच सुधार लियाउण दे उपरालियां ते भी चर्चा कीते जाण दी संभावना है। ब्रिक्स के मैंबर देश बहुपक्षी प्रणाली विच नुमाइंदगी वधाउण अते इस नूं समावेशी बनाउण लई इस विच लगातार सुधार करन दी मंग कर रहे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून तो जर्मनी अते संयुक्त अरब अमरात दे 3 दिना दौरे ते जा रहे ने। नरेंद्र मोदी 26 अते 27 तरीक नूं जर्मनी दे श्लास एलमाओ विच 7 देशां दे समूह दे शिखर सम्मेलन विच हिस्सा लैणगे। उम्मीद है कि इस शिखर सम्मेलन दौरान वह पर्यावरण, ऊर्जा, पौण पाणी, खुराक समस्या, खुराक सुरक्षा, सेहत अते लोकतंत्र आदि मुद्दों ते अपने विचार रखणगे। इस सम्मेलन लई अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल अते दक्षण अफ्रीका समेत होर देशों नूं भी सद्दा दिता गया है। शिखर सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देशों के नेतावान नाल भी मुलाकातां करनगे। शिखर सम्मेलन विच हिस्सा लैण मगरों वह 28 जून नूं संयुक्त अरब अमरात जाणगे अते उत्थों दे साबका राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान दे अकाल चलाने ते सोग जाहर करनगे। नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमरात दे नवे राष्ट्रपति शेख मुहम्मद बिन जायद अल नाहयान नूं राष्ट्रपति चुने जाण ते वधाई भी देणगे। भारत ते आस्ट्रेलिया दे ने अज मौजूदा रक्षा सहयोग गतिविधियां की समीक्षा की। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अते भारत के दौरे ते आए आस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री ते उत्थों दे रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स विचाले नवी दिल्ली विच एक दुवल्ली मीटिंग दौरान रक्षा सहयोग नूं होर वधाउण बारे चर्चा की गई। जिक्र योग है कि कोविड महामारी दीआं चुनौतियां दे बावजूद भारत ते आस्ट्रेलिया विचाले रक्षा सहयोग गतिविधियां विच लगातार वाधा दर्ज किया जा रहा है। दोवें नेतावान ने मीटिंग दौरान आपसी विश्वास अते समझ, सांझे हितां अते लोकतंत्र ते कानून दे राज दे सांझे हितां अते मुल्लां दे आधार ते व्यापक रणनीतिक भाईवाली नूं लागू करन लई अपनी वचनबद्धता दोहराई। राजनाथ सिंह अते रिचर्ड माल्स ने दोवें मुल्कां विचाले रक्षा दे लिहाज नाल वधदी विभिन्नता अते रक्षा अभ्यास विच वाधे दा स्वागत कीता। उन्हां
भारत आस्ट्रेलिया आपसी लॉजिस्टिक सहायता प्रबंध राही ऑपरेशनल गतिविधियां नूं होर वधाउण बारे चर्चा कीती। उन्हां भारत आस्ट्रेलिया सांझी वर्किंग कमेटी नूं होर हल्लाशेरी देण बारे वचनबद्धता दोहराई। रक्षा खोज अते साजो समान सहयोग बारे भारत आस्ट्रेलिया सांझे वर्किंग ग्रुप की इस साल मीटिंग हो रही है। ये ग्रुप दोवें देशों के रक्षा उद्योगों के विकास का एक महत्वपूर्ण तंत्र है। केंद्र सरकार ने देश के नौजवानों लिए अग्निपथ योजना शुरू की है, जिस बारे भरम भुलेखे पा के उन्होंने गुमराह किया जा रहा है। केंद्र ने अग्निपथ योजना बारे कुछ तत्थ लोगों सामने रखे ने, इन्हां विच योजना की सही जानकारी दी गई है। संगरूर लोग सभा सीट की जिमनी चोण लई भलके वोटां पाईयां जा रही ने। मतदान लई सारियां तैयारियां मुकम्मल कर लईयां गईयां ने। भारी बहुमत नाल पंजाब विच सरकार बनाउण वाली आम आदमी पार्टी लई संगरूर लोग सभा चोण वकार दा सवाल बनिया होया है। इस चोण नूं आप सरकार दे हक जां विरोध विच लोकां दे फतवे वजों देखिया जा रहा है। संगरूर लोग सभा लई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर अते भाजपा समेत कुल 16 उम्मीदवार चोण मैदान विच ने। भारतीय जनता पार्टी ने साबका विधानकार केवल सिंह ढिल्लों नूं अपना उम्मीदवार थापिया है, जो कुछ समा पहला ही कांग्रेस छड़ के भारतीय जनता पार्टी च शामिल होए सन। कांग्रेस पार्टी ने साबका विधानकार दलबीर सिंह गोल्डी नूं उम्मीदवार बनाया है। उधर श्रोमणी अकाली दल वल्लों कमलदीप कौर नूं चोण मैदान विच उतारिया गया है। संगरूर लोग सभा हल्के की इस जिमनी चोण लई अकाली दल अमृतसर के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान भी चोण मैदान विच ने। संगरूर लोग सभा सीट भगवंत मान वल्लों अस्तीफा दिते जाण कारण खाली होई सी। भलके होण वाली जिमनी चोण लई 15,60,000 वोटर अपने वोट देण दे हक का इस्तेमाल कर सकणगे, जिन्हां विच 8,30,056 पुरश अते 7,39,140 महिला वोटरां तों इलावा 44 ट्रांसजेंडर वोटर भी शामिल ने। वोटां पाउण दे काम लई कुल 1,766 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए ने। वोटां पाउण दा काम सवेरे 8 बजे तो शाम 5 बजे तक चलेगा। वोटां दी गिणती 26 जून नूं होवेगी। संगरूर चोण लई रिटर्निंग अफसर जतिंदर जोरवाल ने चोण प्रबंधां बारे दस्या। संगरूर लोक सभा हलका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 12 दी चोण बाय इलैक्शन जिहड़ी हैगी उह कल 23 जून नूं है। मेरी सारिया तो पहला ब्रीफिंग जी है प्रेस कॉन्फ्रेंस डेटाज के प्लस फिगर्स दसन तो पहला मेरी सारे ने बेनती है कि कल वधोवध नंबर दे विच आ के वोट पाउण ते डेमोक्रेसी जी है होर स्ट्रोंग करन। हुण जिहड़ी ये बाय इलैक्शन हैगी ये 3 जिले दे विच है, संगरूर, मलेरकोटला
प्लस बरनाला ये 9 असैम्बली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आदि है। संगरूर की 5, मलेरकोटला दे विच सिर्फ मलेरकोटला, अमरगढ़ नहीं है, अमरगढ़ फॉल्स इन टू फतेहगढ़ साहब एंड बरनाले की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये 9 असैम्बली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ये पैंती है। टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन साढ़े है 1766, ये टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है 15,69,240। केंद्र दे अंकड़ा ते प्रोग्राम लागू करन वाले मंत्रालय दे राष्ट्रीय अंकड़ा दफ्तर वल्लों अज तो मोहाली विखे 3 दिना खेतरी सिखलाई कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस विच फील्ड विच काम करन वाले स्टाफ नूं अंकड़े इकट्ठा करन लई लोड़ींदियां तकनीकां बारे विस्तार नाल जानकारी दित्ती जाएगी। मोहाली विखे स्थित मंत्रालय दे खेतरी दफ्तर दे डिप्टी डायरैक्टर जनरल रजनीश माथुर ने इस कॉन्फ्रेंस विच हिस्सा लैण वाले भागीदारां दा स्वागत कीता अते उहनां नूं सर्वेखण दे उद्देशां बारे जानकारी दित्ती। क्या ये क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर स्टार्ट हुआ है, ये सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के सर्वेलांस राउंड से रिलेटेड है और इस बार के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे और दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो सर्वे आयुष। ये जो आयुष के ऊपर सर्वेक्षण है ये पहली बार हो रहा है। इसमें हमें एक्चुअली जो आयुष का जो पेनिट्रेशन है जो हमारी पॉपुलेशन में आयुष के प्रति लोग कितने जागरूक हैं, उनकी जानकारी कितनी है, उनका जो है आयुष ट्रीटमेंट में खर्चा कितना हो रहा है, इसके संबंधित हम लोग इसके ऊपर जानकारी लेंगे। इस सिखलाई प्रोग्राम लई फैसिलिटेटर वजो नामजद किए गए कोलकाता के डिप्टी डायरैक्टर जनरल संजीव बासू ने केंद्र अते राज पद्धर ते नीतियां दे निर्माण विच गुणवत्ता आधारित विस्थारित अंकड़ियां दी लोड़ ते जोर दिता। DES दे आर्थिक सलाहकार मोहनलाल शर्मा ने भी नीति निर्माण विच समाजिक आर्थिक सर्वेखणा दी महत्ता ते रोशनी पाई। फरीदकोट दी इंचार्ज SRO पूजा ने सिखलाई बारे जानकारी दित्ती। भारत विच पाकिस्तानी ड्रोना दियां गतिविधियां लगातार जारी ने अते पाकिस्तान अपनियां हरकतां तो बाज नहीं आ रहा। बीती रात जम्मू कश्मीर दे सरहदी खेतर महराजपुर दे इलाके विच ड्यूटी ते तैनात BSF जवानां ने पाकिस्तान वाले पासियों आए ड्रोन दी हरकत देखी। चौकस जवानां ने ड्रोन दी दिशा विच फायरिंग कीती अते इस ड्रोन नूं वापस पाकिस्तान भजा दिता। जम्मू कश्मीर विच श्री अमरनाथ यात्रा नूं लैके सुरक्षा बल पूरी तरह चौकसी वरत रहे ने। ड्रोन हरकत तो बाद सुरक्षा बलों वल्लों इलाके विच तलाशी मुहिम विड़ी गई। CRPF दी 121वीं कोर अते जम्मू कश्मीर पुलिस दी SOG वल्लों कट्टल ब्राह्मणा, कट्टल गुजरां अते अतवादियां दे संभावित रूट बेई वाले नाले विच तलाशी कीती। जम्मू कश्मीर विच सुरक्षा बलों ने 2 वक्ख-वक्ख मुकाबलों विच 4 अतवादियों नूं ढेर कर दिता है। पुलिस दे एक बुलारे ने दस्या कि इन्हां विच पुलिस दे एक सब इंस्पैक्टर फारूक अहमद मीर की हत्या करन वाला एक अतवादी भी शामिल है, जो अतवादी जथेबंदी जैशे मुहम्मद नाल संबंधित सी। बुलारे ने दस्या कि बारामूला जिले के सोपोर खेत्र के तुलीबल पिंड विच कुछ अतवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने ते सुरक्षा बलों ने पिंड नूं घेर लिया ते तलाशी अभियान शुरू कर दिता। अतवादियों वल्लों गोलीबारी किए जाने ते सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिस दौरान 2 अणपछाते अतवादी मारे गए। पुलवामा जिले के तुजान विच होए एक होर मुकाबले विच सुरक्षा बलों ने 2 अतवादियों नूं ढेर कर दिता। कश्मीर पुलिस के इंस्पैक्टर जनरल विजय कुमार ने दस्या कि मारे गए अतवादियों विचों एक अतवादी जैशे मुहम्मद नाल संबंधित सी अते कुछ दिन पहला उसने सब इंस्पैक्टर फारूक अहमद मीर की हत्या कर दिती सी। अफगानिस्तान विच आए जबरदस्त भूचाल विच 950 व्यक्तियों के मारे जाण की खबर है, जबकि 600 तो वध होर व्यक्ति जख्मी हुए ने। विदेशी एजेंसियों अनुसार अफगानिस्तान के पाक्टिका प्रांत विच बरमाला, जीरुक, नाका अते ज्ञान जिलों विच भूचाल के तेज़ झटके महसूस किए गए। इस तो इलावा होस्त प्रांत के सपारी जिले विच भी भूचाल कारण भारी नुकसान होया है। स्थानक अधिकारियों वालों मृतकों की संख्या विच वाधे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। खबर एजेंसी राइटर ने पूर्वी अफगानिस्तान विच आए इस भूचाल की तीव्रता रिक्टर पैमाने ते 6.1 दसी है। पाक्टिका प्रांत विच सब तो वध 100 मौतां हुई ने। इधर भारत विच जम्मू कश्मीर अते
पाकिस्तान के कई इलाकों में भी भूचाल आने की खबर मिली ने। इस भूचाल की तीव्रता 5.9 मापी गई है। फिलहाल इस भूचाल कारण जम्मू कश्मीर विच किसी जानी माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। बीते शुक्रवार भी जम्मू कश्मीर विच 5 की तीव्रता बारे भूचाल के झटके महसूस किए गए सन। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर दे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल ते भी देख सकते ने। ते इस दे नाल ही खबरां दा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। मैं मास्क लगा के स्टूडियो तो बाहर जा रहा हाँ, तुसी भी जदों बाहर जाओ तो मास्क जरूर लगाओ। इजाज़त दिओ, नमस्कार।